थाना मलिहाबाद व लखनऊ एसटीएफ के संयुक्त प्रयास से त्योहारों एवं पंचायत चुनाव के लिए लाई गई हिमाचल प्रदेश की अवैध शराब को अपनी गिरफ्त में लेने के कामयाबी हासिल की है। साथ ही इसे लाने वाले 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की मार्का विस्की 3260 बोतलें 750 ml 2322 पौवा अंग्रेजी 180 ml को अपने कब्जे में ले लिया है और 3 अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। 3400 लीटर 3260 बोतल है और 3260 बोतल 750 ml की है, 3322 पौवा है 180 ml का। ये सारा का सारा गोल्ड मार्क का है शराब, हिमाचल प्रदेश की निर्मित है। इसके अतिरिक्त इसके परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो परिसर में आप देख रहे हैं वह बरामद हुई है। जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है वो सत्येंद्र अग्निहोत्री निवासी ग्राम सस्पन थाना मलिहाबाद, शिशुपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय गिरजाशरण सिंह निवासी ग्राम मऊचैना पोस्ट मझगांव गदौरा थाना संडीला तथा धीरेंद्र कुमार पुत्र ओमकार निवासी ग्राम भगवत खेड़ा पोस्ट बसरेला थाना काकोरी जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं। ये सर कितने दिनों से कर रहे थे? ये जो बरामदगी हुई है ये पंचायत चुनाव को लेके जो एक तरह से जखीरा बनाया गया था उसकी बरामदगी है। पंचायत चुनाव अभी आए हैं तो निश्चित रूप से अभी, लेकिन इनके संपर्क तो अवश्य ही बने होंगे पहले से। यदि व्यावसायिक उपयोग की बात होती तो ये बात सामने आती, इसके आगे बात आगे बढ़ती कि ये कब से कर रहे थे अवैध रूप से बेचने के काम में यदि ये लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव में प्रयोग की जाने वाली बात थी, ये इस दृष्टि से इन्होंने इसको खरीदा था, तो ये इनका ये धंधा ये तो इस समय वर्तमान जो है ये पहली बार का ही है। सर इसमें कुछ अज्ञात भी लोग हैं? वो देखिए इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो पूरा चीज़ें निकाली जाएगी। अभी तो फिलहाल आपने देखा कितना बड़ा जखीरा है, इसकी काउंटिंग करने में, इसको सब पेपर वर्क करने में इतना समय लगा है। जो उसकी चीज़ें हैं वो सब उसके सूत्र जोड़े जाएंगे और आगे यदि कहीं से कोई चीज़ निकलती है तो हम कोशिश करेंगे आगे इस चीज़ को रोकने की, और यदि कहीं आई होगी तो उसको भी बरामदगी करने की कोशिश करेंगे। सर इसमें कुछ अज्ञात भी लोग हैं और इसके अलावा? अज्ञात का तो हम लोग पता करेंगे ना, तभी हम बता पाएंगे। अभी जो हमारे सामने हैं वो आपके सामने हैं। सर इसके बाद क्या और भी ग्राम पंचायतों में जो है चेकिंग की जाएगी, जाँच की जाएगी? देखिए ग्राम पंचायतों में चेकिंग वाली जो बात है वो चुनाव को प्रभावित करने की बात है, तो ये तो हम लोग आपके माध्यम से भी और अपनी जो सभाएं कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी प्रत्येक गांव में जा जाके उन सब से कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के अवैध उपायों से मतदाताओं को प्रलोभित करने का प्रयास कर रहे हैं उनके उसमें न आए, झांसे में न आए, और उनकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस भी ये या तो अकस्मात चेकिंग में इस तरह की पकड़ धक्कड़ होती है या कोई सूचना प्राप्त होती है उसी के आधार पर इस तरह की कार्रवाई हो पाती है। तो हमारा आमंत्रण है, हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से पूरी जनता से कि इस तरह की कहीं पे सूचना यदि मिलती है तो हमारे थानाध्यक्ष को, हमारे सीओ साहब को हमें ज़रूर अवगत कराएं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्योंकि यह है अपराध न केवल एक लीगल जिसको हम कहते हैं कि कानून में अपराध बना दिया है शराब दूसरे प्रदेश की यहाँ पर बेचने की, ये लोकतंत्र के विरुद्ध भी अपराध है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं।